हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और आज का है सरप्राइज व्लॉग फॉर माय मॉम, क्योंकि मैं जा रही हूँ अपने घर। सुपर एक्साइटेड टू गो ट्रेन में, और अब हम मिलेंगे डायरेक्ट ट्रेन के अंदर, क्योंकि बाहर हो रही है बारिश। तो आई डोंट नो कि मैं शूट कर पाऊंगी कि नहीं, पर लेट्स सी क्या होता है। ऑल सेट, लेट्स गो। माय गॉड, लेट्स गो। सो गाइस, हम आ गए हैं कार में और जा रहे हैं स्टेशन। पर बाहर हो रही थी बहुत तेज बारिश, सो मैं ज्यादा कुछ उस टाइम बोल नहीं पाई। बस मैंने छोटा सा शूट किया है गाड़ी का, और अब हम जा रहे हैं स्टेशन। एवरीवन, ये बहुत एक्साइटेड था, इसको मैं बता रही थी कि हम लोग वहाँ क्यों जा रहे हैं और हम नाना नानी के जा रहे हैं। तो ये वही सब चीज़ें रिपीट कर रहा था कार में कि हम नाना नानी के जा रहे हैं। फाइनली हम स्टेशन आ गए हैं, और बहुत ही अंदर से एक्साइटमेंट हो रहा था बिकॉज ये सरप्राइज था। मेरी मॉम को कोई आइडिया नहीं था कि हम लोग वहाँ आ रहे हैं। फाइनली हम ट्रेन के अंदर थे और उन्हें कुछ भी नहीं पता था कि हम आ रहे हैं, और मैंने एक रात पहले ही टिकट कराई थी। ये सब कुछ एकदम लास्ट मोमेंट में था कि हम उनके बर्थडे के लिए जा रहे हैं। सो वो बहुत ही गुस्से में भी थी बिकॉज मैं उनसे प्रॉपर बात नहीं कर पा रही थी, बिकॉज वन डे ही मिला मुझे पैकिंग करके, और फिर हमें निकलना था और सब कुछ करना था। वीडियो वगैरह मैंने कुछ भी नहीं उन्हें बताया, एंड उनका रिएक्शन आपको वीडियो के एंड में ज़रूर देखने को मिलेगा। बट हमारी जर्नी बहुत अमेजिंग थी। कौन चला रहा है ट्रेन? ड्राइवर चला रहा है ट्रेन। हाँ। Okay, and what you are doing? मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। हाँ। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? नाना नानी। नाना नानी के पास? क्यों जा रहे हैं? नानी, नानी का क्या है? हाउस। नानी के हाउस। बर्थडे किसका है? मीशू का नहीं है, नानी का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे बोल दो नानी को। हैप्पी बर्थडे यू। डोंट डू दिस, अच्छे से बोलो। बाहर का व्यू बहुत अमेजिंग था। जैसे आप राजस्थान के इधर एंटर करते हैं, वहाँ हर जगह बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, पहाड़ वहाड़ दिखते हैं। और एक्चुअली इधर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, हमें पूरे रास्ते बारिश मिली है। तो वेदर सुबह सुबह इतना खूबसूरत था, मतलब बहुत सारे वीडियोज़ मैंने बनाए यहाँ पे, बिकॉज बहुत ही अमेजिंग था, बहुत ही सुंदर दिख रहा था। आप वीडियो में भी देख सकते हो, और पूरा ग्रीनरी और बड़ा अच्छा ही फोटो आ रही थी, वीडियोज़ भी बहुत अच्छे बन रहे थे। सो यू कैन सी द व्यू। अब स्टेशन आ चुके थे और हम लोग घर की तरफ जा रहे थे। विमान से अपनी नाना की गोदी में चढ़ गए थे एंड चॉकलेट लेके इनको बहुत ही मज़ा आ रहा था। ही वॉज एक्साइटेड, ही न्यू कि हम कहाँ आ गए हैं। उसके लिए सिटी का नाम उसे ज़रूर नहीं पता है, बट उसे ये पता है कि ट्रेन में बैठते हैं तो इधर आते हैं तो दादा दादी के पास आते हैं, और फिर बैठते हैं ट्रेन में तो नाना नानी के पास आ जाते हैं। तो इसको सारे रास्ते याद थे, और इसने खुद हमें गाइड किया घर जाने तक। तब तक मम्मी को कुछ नहीं पता था, हमने उन्हें नहीं इन्फॉर्म किया था, और पापा भी कुछ झूठ बोल के निकले थे कि मैं कोई दवाई वाई लेने जा रहा हूँ। जब हम घर जाते हैं तो आपको पता चलेगा कि क्या होता है। फाइनली होम स्वीट होम। अभी हम जा रहे हैं, देखते हैं किधर।
आ गए हैं और सो गाइस ये था मॉम का बर्थडे सरप्राइज व्लॉग और हमको बहुत मज़ा आया ये शूट करने में। आई होप आप लोग को देखने में मज़ा आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट बिलो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, गुड डे।